वाल दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेबी डॉज क्रिप्टो कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन का प्राइस कहाँ जा सकता है और अभी के टाइम पे बेबी डॉज कॉइन में यहाँ पर क्या बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले एक साल में अगर आप लोगों ने बेबी डॉज कॉइन के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है सो उसका कितना रिटर्न आप लोगों को यहाँ पर मिला होगा। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो अगर एक साल पहले आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप लोगों को ओनली 6.83% का रिटर्न मिला है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ नहीं है बेबी डॉज कॉइन के लिए। इसके बीच में इसने बड़े पंप लिए थे, बट अगर हम इन दिस सिचुएशन देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई ख़ास हमें रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। और पिछले एक महीने के अंदर भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 5.92% प्राइस यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से गाइस, एक चीज़ तो भी क्लियर होती नज़र आ रही है कि यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन ने अभी कोई ख़ासा पंप यहाँ पर नहीं दिया है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। बट यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर नीचे की ओर जा सकता है। यहाँ अगर हम देखें जहाँ पर ये दो कैंडल यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, तो इसके बाद से यहाँ पर प्राइस मुझे डाउन देखने को मिल सकता है। मे बी इस राउंड तक यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी यहाँ पर सेफली रहना है बेबी डॉज कॉइन के अंदर। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ट्विटर से क्या आ रहे हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ स्टे हेयर डेट, यहाँ पर कोई भी ऐसी अभी कोई ख़ास बड़ी अपडेट नहीं आई है कि यहाँ पर कहीं बड़ी जगह पे इसकी कोई ऑल लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाए तो जिसमें यहाँ पर हमें इसमें कोई पंप देखने को मिले, तो अभी ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि बेबी डॉज कॉइन में इस वक्त में पैसा इन्वेस्ट करना यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है कि बेबी डॉज कॉइन में अभी एक डाउनफॉल आ सकता है। एंड जब वो डाउनफॉल आए तो उस वक्त आप लोग बेबी डॉज कॉइन की तरफ जा सकते हो। बाकी ये कुछ खास अपडेट थी जो आप लोगों के लिए शेयर करनी थी। एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।